हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम श्री कृष्ण की वंदना करेंगे, गुरुज महाराज की वंदना करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी तक पाठ कहाँ तक हो गया? दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि सामने वाले की सेना में कौन कौन है। बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिना दिए, 17 महान योद्धाओं के नाम गिना दिए। एक भय के कारण गिनाए थे उन्होंने कि हे द्रोणाचार्य, हे गुरु महाराज, सामने कितने महान योद्धा खड़े हैं। तो फिर उन्हें ऐसा लगा, पहली बात यह कि उन्होंने नाम गिनाए क्यों थे? एक तो भय की वजह से कि इतनी बड़ी विशाल सेना को देखकर उन्होंने उनके नाम गिनाए अपने गुरु द्रोणाचार्य को, कि वे उन्हें सजग करना चाहते थे। दूसरा ये कि वो सभी गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय हैं, वो प्रिय होने की वजह से कहीं द्रोणाचार्य जी पिघल ना जाए और अपना हमला स्लो ना कर दें। तो दोनों वजहों से कि ये भय भी था और उनको दूसरा ये था कि वो उनके प्रेम में ना पिघल जाए। तो दोनों वजह से वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और सामने वालों के महान महान योद्धाओं को गिना दिया। पर उसके बाद उन्हें लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उनके सारे सारे महान योद्धाओं के नाम गिना दिए, इसकी वजह से कहीं मेरे गुरु महाराज गुरु द्रोणाचार्य जी कहीं इनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए, आत्मविश्वास कम ना हो जाए कहीं, तो फिर ये मुझे कैसे जितवाएंगे। तो अब ये एक कूटनीति रचेंगे, अब ये अपने महान सैनिकों के नाम गिनाएंगे, अपने महान योद्धाओं के नाम गिनवाने जा रहे हैं अब गुरु द्रोणाचार्य को। अब वो नाम क्या है वो आगे करते हैं। हरे कृष्णा। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो क्या कह रहे हैं दुर्योधन, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। जो विशेष रूप से निपुण है अर्थात वो पहले भी ऐसे युद्ध लड़ चुके हैं, उन्हें पता है कि युद्ध कलाएं कैसे होती हैं। तो अब वो उनके नाम गिनवाना चाहते हैं कि हमारी सेना में भी महायोद्धा हैं, ऐसा नहीं कि सामने सामने वालों के पास हैं और हम कमजोर हैं, नहीं, हमारे पास भी है, ताकि गुरु द्रोणाचार्य का आत्मविश्वास बढ़ जाए और हम डट कर लड़े। तो क्या कहते हैं फिर आगे, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तैस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और हमेशा जीतते आए हैं, ऐसे योद्धा हमारे पास भी हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो ये है दुर्योधन कितनी बड़ी कूटनीति कर रहे हैं, एक राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने सारे मायने बदल दिए राजनीति के। होता क्या है कि सबसे पहले अपने बड़े का नाम लिया जाता है जो सबसे बड़े हैं, फिर उनसे छोटे का, फिर उनसे छोटे का, फिर उनसे छोटे का। तो इस हिसाब से उन्हें सबसे पहले भीष्म पितामह का नाम लेना चाहिए था, भीष्म पितामह का नाम, उसके बाद गुरु द्रोण का नाम लेते, फिर कृपाचार्य का नाम लेते, तब जाके ये कर्ण विकर्ण और सब कुछ आता। लेकिन इसने इतनी कूटनीति करी, क्या करी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चापलूसी कर रहे हैं। अब दुर्योधन चापलूसी कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य की, तो इसलिए कहते हैं कि आप, सबसे पहले आप गुरु द्रोणाचार्य का नाम ले रहा है, उसके बाद फिर भीष्म का नाम लिया कि कहीं भीष्म पितामह नाराज ना हो जाए, पास में खड़े हैं, भीष्म पितामह का नाम ले लिया जाए, उसके बाद फिर ये कर्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि कर्ण और भीष्म की आपस में बनती नहीं, कर्ण को कहीं ये ना लग जाए कि भीष्म पितामह का नाम ले लिया, मेरा नहीं लिया, तो साथ के साथ कर्ण का नाम ले देते हैं। फिर कृपाचार्य का नाम, कहते हैं कि ये गुरु द्रोणाचार्य के संबंधी हैं। कौन? कृपाचार्य जी। कहते हैं कि देखो मैंने आपके संबंधी का नाम भी ले लिया,
फिर अश्वत्थामा का नाम लेते हैं। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य जी का पुत्र है अश्वत्थामा। कहते हैं देखो मैंने आपके पूरे परिवार का नाम लिया है, इतनी चापलूसी कर रहा है दुर्योधन कि ताकि उन्हें कुछ बुरा ना लग जाए कि इन्हीं का नाम लेते हैं। फिर बाद में विकर्ण आता है। विकर्ण का नाम क्यों लिया? क्योंकि विकर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय पर आवाज उठाई थी कि तुम गलत कर रहे हो, पर उस आवाज को दबा दिया गया दुर्योधन के द्वारा। तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, जब बड़े बात करते हैं तो छोटों को बीच में बोलना नहीं चाहिए, ऐसा कहकर विकर्ण को चुप करा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं विकर्ण के मन में सॉफ्ट कॉर्नर था पांडवों के लिए, तो दुर्योधन ने उसका नाम भी ले दिया कि कहीं ये उनकी तरफ ना मिल जाए जाके। क्योंकि युद्ध से पहले एक बात हुई थी कि जो लोग जिस तरफ लगना चाहते हैं युद्ध करने के लिए उस तरफ लग सकते हैं, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। तो दुर्योधन को लगा कहीं विकर्ण उधर ना चला जाए, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा बहादुर तो नहीं है विकर्ण, पर फिर भी उसको ये था कि कहीं उधर चला गया तो हम कमजोर ही होंगे, इसलिए विकर्ण का नाम ले दिया। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, भूरिश्रवा का नाम ले दिया। इतने महान योद्धा है भूरिश्रवा, उसका नाम लिया लास्ट में। तो सबसे पहले तो इतनी कूटनीति कर रहा है दुर्योधन, तो अब बात करते हैं कि ये सब लोग हैं कौन। कहते हैं कि स्वयं आप गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौन है? ये लास्ट एपिसोड में भी डिस्कशन हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन के यानी कि कौरवों के और पांडवों के इन सब के गुरु हैं। इन सबको प्रशिक्षित गुरु द्रोणाचार्य ने किया था अपनी धनुर्विद्या से, और सब तरह की विद्याएं गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी कौरवों और पांडवों को। तो गुरु द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के यहाँ पर जन्मे थे, तो उन्होंने सबको शिक्षा देना का बीड़ा उठाया था। वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, तो पांडवों को कौरवों को सबको शिक्षा अस्त्र शस्त्र की विद्या सभी गुरु द्रोणाचार्य ने दी। तो दुर्योधन सबसे पहले उनका नाम लेते हैं, उनके पास सबसे पहले जाते हैं कि ताकि वो उनकी रक्षा कर पाएं और वो युद्ध जिता सकें। तो एक तरफ से वो ये सोच रहा है कि ये ब्राह्मण है तो सबसे पहले इनका नाम लिया जाना चाहिए, दूसरी तरफ कि मैं इनके पास आया हूँ तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लूँ योद्धाओं में, तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य का नाम लेता है सबसे पहले। तो इतना कूटनीतिज्ञ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना कैसे चाहिए? जैसे युधिष्ठिर ने किया था, सबसे पहले पितामह से आज्ञा लेने गए कि हे पितामह मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए, उसके बाद फिर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, फिर कृपाचार्य के पास जाते हैं। सीक्वेंस ये होती है, होना ऐसे ही चाहिए। अर्जुन ने भी ऐसे ही किया था, वो भी ऐसे ही आशीर्वाद लेते थे, लेकिन दुर्योधन अधर्मी था, अधर्म के साथ था। तो इसलिए जो ये अध्याय है, जो ये श्लोक है, ये हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। यह आगे अब प्रमाणित भी होगा। तो उसके बाद भीष्म पितामह का नाम लेते हैं कि आपके बाद फिर भीष्म पितामह भी है हमारे इस शिविर में। तो भीष्म पितामह कौन है? जैसे कि नाम उजागर करता है कि भीष्म पितामह वो पितामह है, यानी कि पिता के भी पिता, दादा हैं, सगे नहीं हैं पर दादा हैं। और हैं कौन भीष्म? वो शांतनु के पुत्र हैं, शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह की क्या महिमा है कि ये इतने शक्तिशाली हैं कि खुद इनके गुरु जो परशुराम जी हैं उनको भी ऑलमोस्ट हरा दिया था। वो लास्ट में रुक गए थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुरु जी हार जाए मुझसे, तो लास्ट में वो रुक गए थे, पर ऑलमोस्ट हरा दिया था परशुराम जी को। इन्होंने सबसे पहले देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से शिक्षा ली, उसके बाद परशुराम जी से शिक्षा ली। परशुराम जी कौन है? परशुराम जी ने 12 बार अकेले अपने दम पर इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। इतने शक्तिशाली भगवान के रूप हैं परशुराम जी, उनको भी हरा दिया भीष्म पितामह ने, तो कितनी शक्ति है उनके अंदर। कोई देवता कोई हरा नहीं सकता भीष्म पितामह को, अर्थात जहां पर भीष्म लड़ रहे हैं वहां पर जीत निश्चित है, यह बात समझ लीजिए। तो उन भीष्म पितामह का नाम ले रहा है शांतनु ने, बल्कि इनको एक वरदान भी दिया था कि इच्छा मृत्यु का, कि तुम्हें कभी मृत्यु अब तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं आएगी, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन किया। इन्होंने अपने पिता की शांतनु की शादी करवाने के लिए इन्होंने एक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, वो लंबी कथा छिड़ जाएगी। तो ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन किया था कि मैं कभी भी, ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी भी थे ये, कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी भी शादी नहीं करूंगा, तो जो भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा मैं हमेशा उसके अंडर काम करूंगा। इतना महान इन्होंने संकल्प ले रखा था। तो उस भीष्म पितामह की बात हो रही है कि इतने शक्तिशाली हैं भीष्म पितामह। दूसरी बात आती है कि इन्होंने फिर अधर्म का साथ क्यों दिया, हमेशा कौरवों के साथ क्यों लगे रहे,
पांडवों का साथ इन्होंने क्यों नहीं दिया? भीष्म पितामह, सबसे पहले बात है कि भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं भीष्म पितामह। 12 महाजन माने जाते हैं, उन 12 महाजनों में से एक हैं भीष्म पितामह। कौन कौन से 12 महाजन हैं? शिव शंकर भोलेनाथ हैं, हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं, ठीक है, इस तरह से 12 महाजन हैं, उनमें से एक भीष्म पितामह भी हैं, जिन्हें भगवान का ज्ञान था, पूरे भगवान के बारे में भगवत ज्ञान पूरा का पूरा था भीष्म पितामह को। तो वो भीष्म पितामह, तो इन्होंने अधर्म का साथ क्यों दिया था? एक तो होता है बाहरी कारण, एक होते हैं आंतरिक कारण। बाहरी कारण क्या है कि इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं जो हस्तिनापुर की गद्दी पर होगा उसका साथ दूंगा, ये था बाहरी कारण। पर कुछ होते हैं आंतरिक कारण। आंतरिक कारण क्या है? जैसे भीष्म पितामह कौन है? उनकी इतनी ताकत है कि जिस तरफ से वो लड़ रहे हैं उनको कोई हरा नहीं सकता, वो हमेशा अजय ही रहेंगे, विजयी होंगे हमेशा। तो अगर उस विजयी सेना को श्री कृष्ण हरा दें तो उनकी ग्लोरी कितनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, अपने प्रभु की ग्लोरी बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद अधर्म का साथ दिया और इस कटाक्ष को सहन कर रहे हैं वो आज तक भी कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। और किसने कैसे किया था? जैसे कैकेयी माता ने भी सहन किया था, बाहर से तो हमें ये लगता है कि उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए श्री राम का त्याग कर दिया, लेकिन आंतरिक कारण क्या था? वो श्री राम से इतना अधिक स्नेह करती थी कि उन्होंने भरत का भी त्याग कर दिया। कैसे किया? जब उनको राज्याभिषेक होना था श्री राम को, तो देवता रात को आए थे कैकेयी माता के पास कि हे माता, जिस वजह से भगवान ने अवतार लिया है वो अवतार पूरा होने का कोई ना कोई तो कारण बनना चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए। देवताओं के कहने पर कैकेयी माता ने ये कलंक सहन किया कि कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। उन्होंने ये कलंक भी सहन कर लिया भगवान की सेवा के लिए। तो ये आंतरिक कारण था। इसी तरह भीष्म पितामह का आंतरिक कारण क्या था कि वो भगवान श्री कृष्ण की ग्लोरी बढ़ाना चाहते थे, उनका प्रभुत्व दिखाना चाहते थे संसार को, कि अजय विजयी सेना के अंदर भी भीष्म पितामह के होते हुए भी अगर अधर्म है तो श्री कृष्ण उस अधर्म को समाप्त कर सकते हैं। इस वजह से भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया था, पर बाहर बाहर से, अंदर से तो वो श्री कृष्ण के भक्त ही थे। कर्तव्य उन्होंने अपना पूरी तरह से निभाया था, ऐसा नहीं कि गलत कार्य किया उन्होंने, कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ नहीं, भक्त थे वो श्री कृष्ण के, पर उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की थी, वो पूरे राजभक्त थे। तो वो भीष्म पितामह, उनका नाम लिया था फिर दुर्योधन ने, और दुर्योधन की पूरी राजनीति उसने अपनाई कि अपने बड़े भीष्म पितामह का नाम लेने से पहले वो गुरु द्रोणाचार्य का नाम लेता है क्योंकि उनके सामने खड़ा है, फिर भीष्म का नाम ले रहा है, फिर कर्ण का नाम ले रहा है। कर्ण कौन था? कर्ण की बारी आ गई। कर्ण भी धर्म का पालन करने वाला एक व्यक्ति था। कर्ण अर्जुन का एक भाई ही था, पर सगा भाई नहीं था, पर माता एक ही थी उनकी। पर जब उनकी शादी हुई थी उससे पहले कर्ण का जन्म हुआ था, सूर्य पुत्र हुआ था कर्ण। सूर्य ने उनको वरदान दिया था कि ऐसा तुम्हारा पुत्र होगा। तो कर्ण उसका भाई ही था एक तरफ से देखा जाए तो, अर्जुन का सबसे बड़ा भाई बल्कि कर्ण था। वो उसका साथ क्यों दे रहा था दुर्योधन का? दुर्योधन का साथ वो इसलिए दे रहा था क्योंकि दुर्योधन ने एक ऐसी स्थिति में, कर्ण के सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब उसकी पूरी इंसल्ट हो रही थी पूरी दुनिया के सामने, तब दुर्योधन ने उसका साथ दिया था। उसको कहा गया था कर्ण को कि जो किसी देश का भी किसी का भी राजा नहीं है वो युद्ध नहीं लड़ सकता। यहाँ पर पहले कभी एक प्रतियोगिता हुई थी अर्जुन और कर्ण के बीच में, कह रहे कि युद्ध नहीं लड़ सकता। दुर्योधन ने कहा था कि मैं इसे राजा बनाता हूँ, अंग देश का राजा, अब ये युद्ध करने लायक हो गया, ये मेरा मित्र है, मैं इसका संबंधी हूँ, अब ये मेरा मित्र बन गया। संबंधी मतलब मित्र, मित्र वाला संबंधी। तो कहते ये मेरा मित्र है और मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूँ, अब ये युद्ध लड़ सकेगा। तो उस एहसान का बदला चुकाने के लिए कर्ण को दुर्योधन का साथ देना पड़ा। कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तब भी कर्ण को उसका साथ देना पड़ा, इतना विवश हो गया था कर्ण। तो ये क्या दर्शाता है? हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि जब कोई हमारा भला करे हम उसका उपकार चुकाने के लिए गलत दिशा में चले जाएं कि हमें तो इसका उपकार चुकाना ही पड़ेगा, पर यह सर्वथा गलत है। कृष्ण ने कर्ण को समझाया था, कृपाचार्य ने कर्ण को समझाया था, उनकी माता कुंती ने उसको समझाया था, पर किसी की नहीं लगी कर्ण को, उसको साथ देना ही पड़ा। लेकिन वो चाहता तो क्या कर सकता था, अंग देश का राजा था वो, लौटा देता कि मुझे नहीं बनना इसका राजा, अगर तुमने मुझे ये गलत कार्य में डालना था,
इस उपकार के बदले तो आप इस चीज को वापस ले लीजिए, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, कर्ण का ये कर्तव्य बनता था। तो ये हमें क्या सिखाता है कि हमें कभी भी गलत का साथ नहीं देना, अधर्म का साथ कभी नहीं देना। चाहे हमारे ऊपर कोई कितना भी उपकार करे, अगर वो उपकार हमसे गलत करवाने के लिए कर रहा है तो उसकी चीज वापस लौटा दीजिए और धर्म का साथ दीजिए, क्योंकि धर्म के साथ श्री कृष्ण है और जहां पर श्री कृष्ण है विजय वहीं पर होगी। तो कर्ण वो था। उसके बाद बात करते हैं कृपाचार्य की। कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य जी के संबंधी हैं, उनकी बहन भी आई थी वहां पर। अब कृपाचार्य जी की क्या महिमा है, कृपाचार्य जी चिरंजीवी हैं, 8 चिरंजीवी माने गए हैं। कौन कौन है, हनुमान जी हैं चिरंजीवी, तो व्यास देव जी हैं, राजा बलि चिरंजीवी हैं, और कौन है, परशुराम जी चिरंजीवी हैं, और अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, कृपाचार्य चिरंजीवी हैं। इस तरह से 8 लोग हैं जो चिरंजीवी हैं, जिनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। एक विभीषण जी चिरंजीवी हैं, वो कभी मर नहीं सकते। ऐसे करके ये 8 लोग हैं जो अमर हैं, जो कभी मर ही नहीं सकते। तो कृपाचार्य हैं, तो कृपाचार्य की लास्ट में मृत्यु नहीं हुई थी कृपाचार्य का, लेकिन हाल ऐसा हो गया था कि ना वो जीने में ना वो मरने में। ठीक है, हम कृपाचार्य के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। कृपाचार्य जी कौन है, जो 8वें मनमंत्र में, अभी 7वां मनमंत्र चल रहा है, 8वें मनमंत्र में वो सप्तऋषि बन जाएंगे। कृपाचार्य जी आज भी जीवित है, कृपाचार्य जी ऐसा हमें दिख तो रहे नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो है नहीं। कृपाचार्य जी आज भी जीवित हैं और ये 7वां मनमंत्र चल रहा है। एक मनमंत्र में 71 युग होते हैं, और तो ये लगभग मिलाकर 30 करोड़ वर्ष हो गए। तो 30 करोड़ वर्ष, इसमें से 43 युग अभी बचे हैं 7वें मनमंत्र को खत्म होने में। 43 युग अभी बचे हैं, 71 में से 43 बचे हैं अभी। तो ये मनमंत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 8वां मनमंत्र शुरू होगा। 8वें मनमंत्र में कृपाचार्य जी क्या बन जाएंगे, सप्तऋषि बन जाएंगे। तो उसके बाद बात आती है अश्वत्थामा, ये भी अमर हैं, चिरंजीवी हैं। अब अश्वत्थामा का क्या इतिहास है, गुरु द्रोण के ये पुत्र हैं, ठीक है, महापराक्रमी हैं, लेकिन अज्ञानी हैं, बालकपना है, इनको पूरा ज्ञान नहीं है कि धर्म अधर्म क्या है, मुझे किस तरफ लगना चाहिए। इन्होंने इतना बुरा काम किया था अश्वत्थामा ने, इन्होंने दुर्योधन के साथ लग गई है कि दुर्योधन ही मेरा मित्र है, सब कुछ है, तो अधर्म का साथ दे रहे थे। इनको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी था। इन्होंने इतना बुरा काम किया कि सोते हुए 5 क्षत्रियों के ऊपर प्रहार कर दिया, ये सोचकर कि ये 5ों पांडव हैं, इनको मारकर मैं अपने मित्र दुर्योधन को खुश करूंगा। लेकिन वो 5ों के 5 क्षत्रिय कौन थे, द्रौपदी के पुत्र थे। तब अर्जुन को इस बारे में पता चला, तो अर्जुन ने क्या किया, उसके साथ लड़ाई करने के गए, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब क्या हुआ, व्यास देव जी स्वयं प्रकट हुए और उन ब्रह्मास्त्रों को रोका। उनको रोकने के बाद आदेश दिया कि इसको वापस लीजिए। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा का वो वापस भी नहीं लेना था, इतना नादान था वो। तो उसने क्या किया, वापस लेने की बजाय उसका रुख मोड़ दिया, कहां, उत्तरा के गर्भ में, जहां पर इनका वंश, इनका आगे पल रहा था, कौन, राजा परीक्षित, जिनके बारे में भागवत कथा के बारे में चर्चा है काफी, राजा परीक्षित जी वो पल रहे उत्तराई गर्भ में। तो उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को वहां पर पलट दिया था। तब श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर उसकी मणि छीन ली माथे की और उनको शाप दिया। शाप तो वैसे ऋषि मुनि देते हैं, लेकिन शाप ही कह लीजिए। श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तुम कभी नहीं मरोगे, तुम्हारे माथे से हमेशा खून टपकता रहेगा, वो मणि निकाली थी ना, खून टपकेगा और तुम्हें दर्द होगा, तुम सृष्टि के अंत तक ऐसे ही भटकते फिरोगे। श्री कृष्ण ने उसको ऐसे कहा अश्वत्थामा को। तो वो अश्वत्थामा है, इतना महान योद्धा था, लेकिन उसने गलत काम किया था और गलत का साथ दे रहा था। तो विकर्ण, विकर्ण के बारे में चर्चा हो चुकी है, विकर्ण दुर्योधन का भाई था, लेकिन वो पांडवों की साइड अंदर से था, उसी ने आवाज उठाई थी द्रौपदी के चीरहरण पर, तो उसका नाम इसलिए लिया कि कहीं वो दूसरी साइड ना चला जाए। सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा आदि हैं। अब भूरी श्रवा कौन है, भीष्म पितामह के पिता हैं, जो कौन है, शांतनु जी, उनके भाई हैं बहलीक। बहलीक के पुत्र हैं सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र हैं भूरी श्रवा। ये एक महान है, ये बहुत महान है, संत जैसे हैं, ये दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है, और ये बहुत शक्तिशाली भी हैं, वो हैं भूरी श्रवा। तो अंत में भूरी श्रवा का नाम लेते हैं ये,
तो कहते हैं कि ये सभी वो हैं जो युद्ध में हमेशा विजयी रहे। तो इस तरह से दुर्योधन पहले तो सीक्वेंस ही गलत बता रहा है उनकी, क्योंकि उनको तो सिर्फ लाभ उठाना था, दुर्योधन को सिर्फ लाभ उठाना था कि किस व्यक्ति से मैं क्या लाभ उठाऊं, उसके अंदर कोई प्रेम भाव शिष्टाचार ये सब कुछ नहीं था। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी दुर्योधन के जैसा नहीं बनना, राजनीति भी हम अगर बन गए तो हमें श्री कृष्ण की तरह राजनीतिज्ञ बनना है। श्री कृष्ण हमेशा धर्म का साथ देते हैं, अधर्म का नहीं देते। तो आगे क्या कह रहे हैं हम, अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो दुर्योधन कह रहे हैं ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए उद्यत हैं, वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। वास्तव में ये है क्या, वो अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कौन? दुर्योधन, कि हाँ ये वास्तव में प्राणों का त्याग देंगे, क्योंकि सामने श्री कृष्ण हैं, उनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता, स्वयं भीष्म पितामह नहीं जीत सकते, जो अजय हैं, जो पूरी सृष्टि में उनका कोई विनाश नहीं कर सकता, उनका भी विनाश होगा, श्री कृष्ण क्योंकि सामने हैं। तो कह रहे हैं कि वो सभी मेरे लिए प्राणों का त्याग करने के लिए तत्पर हैं, उनके प्राणों का त्याग होगा ही होगा, वो अवश्य मरेंगे, ये भविष्यवाणी हो रही है ऑटोमेटिकली। तो कहते हैं कि वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, वेपन्स भी हैं उनके पास, और ऐसा नहीं कि वेपन्स हैं पर उनको चलाना नहीं आता, कहते हैं युद्ध विद्या में निपुण भी हैं, यानी कि वो प्रशिक्षित भी हैं, उनके अंदर स्किल है उसको चलाने की। तो इस तरह से वो गुरु द्रोणाचार्य जी को उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं कि हमारे पास भी अनेक योद्धा हैं जो इस युद्ध को लड़ सकते हैं और हमें जिता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आज की इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना, हमें हमेशा धर्म का साथ देना है, चाहे सामने कुछ भी हो रहा हो, किसी ने हमारे ऊपर कोई भी उपकार किया हो, अन्यथा उसका हाल दुर्योधन जैसा होगा अगर उसने अधर्म का साथ दिया, भीष्म पितामह जैसा हाल होगा। वैसे भीष्म पितामह की तो गति बहुत बड़ी थी, वो तो मतलब चले गए थे, मुक्ति मिल गई थी उनको, उनको तो मजबूरन साथ देना पड़ा था, और मजबूरन भी क्या, उनकी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की ग्लोरी हो, ठीक है। तो फिर भी हमें समझना यह है कि हमें हमेशा धर्म का साथ देना है, अधर्म का नहीं देना। अगर किसी ने उपकार भी किया है उस उपकार को लौटा दीजिए, अगर आपको अधर्म का साथ देना पड़ गया तो। तो आज के लिए इतने करते हैं। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।